माफ़ कीजिएगा, हम कटरीना की शादी का फ़ोटो नहीं छाप रहे, क्योंकि आज उस ग्लैमर से ज़्यादा ज़रूरी यह पवित्र स्मरण है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर से छपने वाले अखबार की खबर की कटिंग है जो वायरल हो रही है। लोगों को अखबार का यह कदम बेहद पसंद आ रहा है। इस खबर की कटिंग में तस्वीर है CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की शादी की। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, इसे दुर्योग ही कहेंगे कि जीवन पथ पर एक साथ चलने का उस समय का वादा हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में इस तरह के दुखांत रूप में सामने आया। राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले इस दंपति के पवित्र स्मरण की खातिर ग्लैमर को नज़रअंदाज तो किया ही जा सकता है। इस कैप्शन के साथ ही जनरल बिपिन रावत की विवाह पत्रिका भी इस पर लगाई गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से छपने वाले अखबार की यह कटिंग देश भर में वायरल हो गई है। सैकड़ों लोगों ने ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर किया। लोगों ने ट्विटर पर इसे सैकड़ों बार रिट्वीट भी किया। कई लोगों ने इस पर कमेंट्स भी दिए। लोगों का कहना है कि ये मौका किसी की शादी को सेलिब्रेट करने का नहीं, बल्कि भारत माता के सपूत को नमन करने का है। कई लोगों ने इसे प्रकाशित करने वाले अखबार की तारीफ भी की। कई लोगों ने कहा कि हमें इस वक्त अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विकी कौशल की शादी से ठीक एक दिन पहले CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसा बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था। इसमें उनकी पत्नी मधुलिका सहित 13 जवानों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। बरार स्क्वायर में CDS जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। परिवार के अन्य सदस्य भी अंतिम विदाई में शामिल हुए। CDS को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भी श्रद्धांजलि दी।